और यदि आपने अभी भी वीडियो देखने के बाद में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम सोशल मीडिया पर अपने तमाम ग्रुप में इसको आप शेयर कीजिए। आपका भला हो, ईश्वर आपकी रक्षा करें, आप मस्त रहें। आप प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ इस वर्ष के अंतिम खग्रास चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी के साथ, एवं मैं बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा तदनुसार दिनांक 8 नवंबर सन 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। 8 नवंबर को देव दिवाली भी है, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण देव दिवाली का सेलिब्रेशन या तो पहले मनाया जाएगा या फिर चंद्र ग्रहण दिवस के पश्चात। विवेकानुसार लोग अपना निर्णय ले लेंगे। संभवतः देव दिवाली को अधिकांश व्यक्ति 7 नवंबर को मनाने वाले हैं। मित्रों, ये सन 2022 के वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है। मैं इस वीडियो में आपको चंद्र ग्रहण और उससे जुड़ी समस्त जानकारी देने वाला हूँ, जैसे चंद्र ग्रहण का समय, सूतक की समयावधि, चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव एवं दुष्प्रभाव, विशेषकर उसके फल, विशेषकर गर्भवती महिलाओं पर चंद्र ग्रहण के प्रभावों एवं बचाव के तरीकों के अलावा, चंद्र ग्रहण भारत के अलावा कौन कौन से देशों में दिखेगा, भारत के किन राज्यों में चंद्र ग्रहण स्पष्टतः दिखाई देगा आदि आदि की संपूर्ण व सटीक जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, विस्तृत जानकारी आपको दूं उससे पूर्व आपसे एक करबद्ध विनती है, एक निवेदन है। करबद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि ये चैनल आपका है। इस चैनल पर रोजाना लाखों दर्शक आते हैं किंतु न जाने क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि सब्सक्राइब में कोई पैसा, कोई धन, कोई दौलत, कोई और ऐसी चीज जो आप दे नहीं पाए वो नहीं ली जाती। इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों तक सोशल मीडिया पर इस चैनल को फॉरवर्ड करें और औरों से भी, मित्रों से, रिश्तेदारों से या जो जिन ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में ये निवेदन आप अपनी तरफ से भी करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, तो आइए शुरू करते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में वो सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं और जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा 8 नवंबर सन 2022, इस वर्ष के अंतिम चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेगी, जिसके कारण ये ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लगेगा। विशेषतः मेष राशि वाले एवं भरणी नक्षत्र वाले व्यक्तियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव थोड़ा अधिक होगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसके उपाय इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होगा उस पर हम जरा बात कर लें। चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे पूरे कालखंड, पूरे देश, पूरा भूगोल पर पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण के कारण देश में अग्निकांड, उत्पात, वैमनस्यता, भय, आतंक का माहौल, मनुष्य जाति पर कष्ट व पीड़ा हो सकती है, महंगाई बढ़ेगी, विशेषकर सूत, कपास, सोना, चांदी आदि में उछाल महसूस किया जाएगा। गुरु, शनि और मंगल की अवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके कारण पूर्वी दुनिया के देशों में असंतोष व विप्लव, गुस्सा व वैमनस्यता और अधिक बढ़ेगी। भारत की बात करें तो पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की वृत्ति बढ़ेगी, विशेषकर समुद्र में तूफान उठ सकते हैं, अतिवृष्टि के योग बन सकते हैं, जिनके कारण बाढ़ आ सकती है, बर्फबारी अधिक हो सकती है। भरणी नक्षत्र स्वयं राहु का जन्म नक्षत्र है, अतः ऐसे में चोरी, लूट या फिर उपद्रव, युद्ध, अशांति के साथ गलत निर्णय के कारण होने वाले दुष्परिणामों को दुनिया भुगत सकती है। ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक मंदी आ सकती है। संक्षेप में मैं बता दूं कि विशेषकर पूर्व में जो देश हैं या पूर्वी जो देश हैं उनमें चंद्र ग्रहण का प्रभाव अधिक दिखाई देने के योग बन रहे हैं। आइए मित्रों, अब मैं आपको और जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि चंद्र ग्रहण होने से पहले सूतक लगता है, तो हम सूतक की बात कर लें, सूतक का क्या समय रहेगा उसकी बात कर लें। चंद्र ग्रहण में सूतक का समय
चंद्र ग्रहण के होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। जबकि आपको ज्ञात है सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व शुरू होता है। सूतक प्रातः 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। भारत में सायंकाल 5:09 पर चंद्रमा संपूर्ण ग्रहण अवस्था में उदय होंगे। खगरास का समय केवल 3 मिनट का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खगरास चंद्र ग्रहण होगा जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन मेष राशि में भरण नक्षत्र में होने जा रहा है। इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण विश्व के लगभग तमाम छोटे बड़े देशों में दिखाई देगा, जैसे उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, साइबेरिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत व हिंद महासागर, अंध महासागर के अलावा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, जकार्ता, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के तमाम क्षेत्र। अध्यात्म को एवं सिद्धियों को सिद्ध करने का यह बहुत ही परम श्रेष्ठ काल माना गया है। अतः सामान्य जन भी यदि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय ईश्वर की पूजा करते हैं, यानी ईश्वर का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। ध्यान रखिए, मूर्ति या मंदिर में पूजा करना चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में निषेध माना गया है। अब हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण की समयावधि क्या है और समाप्ति क्या है, या उसके मध्य का जो काल है वो कितना है। चंद्र ग्रहण की कुल समय सीमा 8 नवंबर 2022 को 1:32 से शाम 7:27 तक रहेगी। खगरास ग्रहण की कुल समय सीमा है 1 घंटा 25 या 26 मिनट। खगरास शुरू होने का काल 3:47 है। ग्रहण का स्पर्श काल 2:39 रहेगा। ग्रहण का मध्य काल 4:29 रहेगा। भारत में 5:32 पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण का मोक्ष काल 6:19 पर है। ग्रहण की छाया समाप्ति होने का काल शाम को 7:27 रहेगा। छाया ग्रहण की समावधि है 2 घंटे और 15 या 16 मिनट। मित्रों, सूतक काल में रखने वाली जो विशेष सावधानियां हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सूतक लगने से पूर्व स्नान जरूर कर लें। घर में यदि आपने मंदिर स्थापित कर रखा है तो मंदिर को वस्त्र के माध्यम से पटबंद कर दें, क्योंकि ग्रहण काल में न तो सूर्य को छुआ जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में न तो ईश्वर को छुआ जाता है, न मूर्ति को छुआ जाता है और ना ही ईश्वर के या मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं। दूसरा, घर में जो भी भोजन सामग्री है उस पर तुलसी के पत्ते व कुसा को डाल दें। वैसे तो सूतक काल से ग्रहण मोक्ष सूतक काल में रखने वाली विशेष सावधानियां। सूतक लगने से पूर्व स्नान कर लें। घर में यदि आपने मंदिर स्थापित कर रखा है तो मंदिर को वस्त्र के माध्यम से पटबंद कर दें, क्योंकि ग्रहण काल में न तो ईश्वर को छुआ जाता है और न ही दर्शन किए जाते हैं। दूसरा, घर में जो भी भोजन सामग्री है उस पर तुलसी के पत्ते व कुसा को डाल दें। वैसे तो सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक भोजन आदि खाने का निषेध होता है, लेकिन आप अगर इतना न कर पाए तो जब से ग्रहण प्रारंभ हो एवं जब तक मोक्ष न हो तब तक भोजन न करें। इसमें वृद्धजनों, बच्चों, बीमारों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए छूट है, फिर भी उन्हें आवश्यक हो तो ही भोजन आदि लेना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो इस दिन विशेष एहतियात बरतें। वो लाल चंदन को घिसकर उसका लेप अपने पेट पर लगा लें ताकि दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इस चंद्र ग्रहण काल में सोने से बचें, अर्थात आपको शयन नहीं करना है। अपने आराध्य का ध्यान करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ बारंबार करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, या फिर आप राम धुन, राम राम, जय जय राम बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र को मन ही मन बोल सकते हैं, या फिर किसी भी सात्विक मंत्र का उच्चारण करके ध्यान लगाया जा सकता है। इस कालखंड में मन मस्तिष्क से
आप शांत व प्रसन्न रहें, घबराएं नहीं, शुभ चिंतन करें। इस कालखंड में सांसारिक क्रियाओं का निषेध होता है, भोग संभोग वर्जित है। हाथ में तुलसी दल रखा जा सकता है या फिर यदि कुसा हो तो उसे अपने सिर के बालों में लगाने और ग्रहण समाप्ति पश्चात उसे विसर्जन कर दें। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, प्रत्येक राशि के जातक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके विषय में मैं पूरी प्रामाणिक और सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को स्किप न करके पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को ग्रहण के दर्शन करना वर्जित है। चूंकि चंद्र ग्रहण मेष राशि पर ही लग रहा है, अतः मेष राशि के व्यक्तियों को चाहिए कि वे थोड़ी अधिक सावधानी और विवेकशीलता के साथ कार्य करें। आपको अपनी संवेदनाओं का विशेष ख्याल रखना है, उन्हें नियंत्रित रखना है। आपको हाइपर होने की कतई आवश्यकता नहीं है। चिंतन व वैचारिक स्थिति पर नियंत्रण रखें, भावुक न हो, नहीं तो नुकसान होगा। जलन, द्वेष या फिर छोटी मोटी बातों में उलझने से बचें। जीवन साथी में विश्वास बढ़ाएं और मित्रवत व्यवहार करेंगे तो आपको लाभ होगा। कैरियर के प्रति सावधान, कोताही बरतना हानिकारक रहेगा। रुपया धन इस काल में अधिक खर्च होगा। जीवन के न जाने किस पड़ाव व क्षेत्र में दिक्कत पैदा कर दे, सावधान रहें। आप इस बात का ख्याल अवश्य रखिए कि आपके द्वारा कोई पीड़ित या प्रताड़ित न हो, अर्थात आप अहंकार या मूर्खतावश किसी को प्रताड़ित न करें, वरना वो व्यक्ति पलटकर प्रतिशोध लेगा, आपको हानि होगी। मन को नियंत्रित व शांत रखकर संतुष्टि का भाव पैदा करें। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। किसी की सलाह पर आंख मूंद कर न तो विश्वास करें और न ही उस पर कार्य करें। सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा लें। आपको क्या करना चाहिए, आपको चंद्र ग्रहण के पश्चात गरीबों में चावल का दान करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि के 12वें भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ फलदाता के रूप में नहीं है। आपको लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए ताकि धन हानि से बच सकें। मानसिक परेशानियों से अवसाद में आ सकते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखें। धन व्यय व धन हानि के प्रबल योग बनने वाले हैं। आप उधार धन तो बिल्कुल किसी को न दें, वरना धन लौटाने में और आपको बहुत परेशानी होगी। हो सकता है आपका धन, दिया हुआ धन आपका डूब जाए। एक्सीडेंट या दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं। वाहन की गति नियंत्रित रखें। वाहन चलाते समय प्रसन्न व शांत रहें। मोबाइल पर या साथ में बैठी अन्य सवारी से वार्ता न करें। कैरियर में अचानक परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। आपके सामने अनवांटेड परेशानी आ सकती है, विशेषकर कोई जरूरी व आवश्यक कार्य में व्यवधान की भी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें। चंद्र ग्रहण के पश्चात आपको गरीबों में चीनी का दान करना श्रेष्ठ कर रहेगा। मिथुन राशि। आपकी राशि के 11वें घर में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। यह आपकी राशि के लाभ भाव में होगा, जो कि आपके लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ फलदायक सिद्ध होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, नए जॉब मिलेंगे एवं जो बेहतरी के लिए चेंज करना चाहते हैं, मन चाहा जॉब आपको मिलेगा। व्यापार में अप्रत्याशित विकास व लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा। संतान से लाभ होगा। आपकी पदोन्नति होगी। धन लाभ कराने वाला है। निरंतर आमदनी में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप व आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आप सभी उन समस्त कार्यों व इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे
जो बहुत लंबे समय से अधूरी या अपूर्ण थी। सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, आपको सम्मान व यश की प्राप्ति होने वाली है। चंद्र ग्रहण पश्चात एक माह तक आपके कैरियर में बहुत ही लाभ की स्थिति बन रही है, आपकी चाहत से भी अधिक आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्र ग्रहण के पश्चात आपको शिव आराधना करनी चाहिए या हनुमान चालीसा का पाठ बारंबार करना चाहिए। जब तक चंद्र ग्रहण का काल रहता है आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि, आपकी राशि के दसवें भाव में चंद्र ग्रहण हो रहा है जो कि आपके लिए अति शुभकारी सिद्ध होगा। परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्तों को आप थोड़ा सावधानी पूर्वक रखें, टेंशन हो सकती है। आपको किसी भी वाद विवाद परिवार से दूर रहना चाहिए, हो सकता है आप बहुत भावुक हो जाएं, इसलिए आपको भावुक होने से बचना चाहिए। रुके हुए काम व अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नया वाहन एक माह तक न खरीदें। कैरियर में विश्वास उत्पन्न होगा जिसके कारण विकास व उन्नति होगी। आपको कोई नया अवसर मिलेगा या फिर आप अपने कैरियर में उचित परिवर्तन भी कर सकते हैं। धन के नए नए साधन बनेंगे। आपको दूध का दान ग्रहण के पश्चात करना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि, आपकी राशि का नवा भाव जो भाग्य भाव है उसमें ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ग्रहण के प्रभाव से आपको बहुत सी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान होने वाला है। जो अभी तक रुके हुए या अटके पड़े थे वे सब काम बनने वाले हैं, लेकिन कोर्ट केस या मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए। कड़वा बोलकर या किसी का अपमान करके आप फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। व्यापारियों के व्यापार में रॉकेट स्पीड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन सावधान रहिए, ये भ्रमित कर सकता है, अहंकार पैदा करके आपकी छवि को हानि पहुंचा सकता है, वाणी को विषैला बना सकता है, इसलिए अहंकार और वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना जरूरी है। आपका व परिवार का स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो सकता है, अतः स्वास्थ्य पर पूरी सावधानी से ध्यान आपको रखना चाहिए। पिता व बड़ों से संबंध मधुर बनाने के प्रयास करते रहिएगा, वरना थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में टेंशन हो सकती है, रिश्तों में कटुता आ सकती है, इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर चलिएगा। पत्नी का अपमान आपको भारी पड़ सकता है। कैरियर में बहुत बड़ी उन्नति व लाभ के योग बन रहे हैं। भूमि भवन का कार्य करने वालों को बड़ी बड़ी पार्टियों से अनुबंध होने के भी योग बन रहे हैं। ग्रहण समाप्ति पश्चात सिंह राशि वालों को गरीबों में चावल का दान करना चाहिए। कन्या राशि, आपकी राशि के आठवें भाव में ग्रहण होने से इसका आप पर नकारात्मक ही प्रभाव रहने वाला है। ये आपके अंदर अति संवेदनशीलता बनाएगा, जिसके कारण आप दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोचेंगे और विवेक शून्य होने के चांस हैं। परिणामतः लड़ाई झगड़ों में फंस सकते हैं। वाणी और मन पर 100% नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना आप नुकसान उठा जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से सामना हो सकता है। दुर्घटना का भी योग बनता दिखाई दे रहा है, अतः वाहन चलाते समय या फिर कार्य करते समय सावधानी बरतिएगा। कैरियर की लापरवाही आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नौकरी में गंभीर रहिएगा। ग्रहण के कारण कष्टों से सामना हो सकता है। घर में विवाद, बीमारी के कारण धन हानि, मान हानि के भी योग बन रहे हैं। ग्रहण के पश्चात कन्या राशि वालों को चाहिए कि वे नारियल को अपने सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और जल में प्रवाहित कर दें, लाभ होगा। तुला राशि, आपकी राशि के सातवें घर में चंद्र ग्रहण होने के कारण ग्रहण का सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। यह प्रभाव उतना लाभकारी नहीं होने के कारण पति पत्नी के मध्य अकारण मनमुटाव या फिर अलगाव हो सकता है। पति पत्नी की वैचारिकता के कारण
या फिर सलाह मशविरा के कारण विवादों में बढ़ोतरी हो सकती है। दोनों ही हाइपर होकर गलत निर्णय ले सकते हैं। दोनों से यानी पति पत्नी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, चंद्र ग्रहण से एक मास तक शांति व सद्भाव बनाए रखिएगा, वरना दाम्पत्य जीवन में बखेड़ा खड़ा हो सकता है। अविश्वास व शंका के कारण दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। अपोजिट सेक्स से सावधान रहें, अपयश के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य में विशेषकर उदर रोग यानी पेट से संबंधित व्याधियां उभर सकती हैं या परेशान कर सकती हैं। जिन तुला राशि के जातकों के विवाह या सगाई आदि की चर्चा चल रही है, उनको थोड़ा व्यवधान का भी सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों को ग्रहण के पश्चात चीनी का दान करना लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, ये ग्रहण आपकी राशि के छठवें भाव में होने जा रहा है, जो कि रोग भाव का घर है। ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार में प्रसन्नता व आनंद का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद आपके पक्ष में ही निर्णय होने के चांसेस हैं। यदि आप प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाभ रहेगा। कैरियर में लाभ रहेगा। कैरियर में उन्नति या फिर बेहतरी के लिए बदलाव भी हो सकता है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। एक माह तक यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या कार्य को करने का मानस बनाते हैं तो अवश्य ही पूर्ण होगा। संतान की तरफ से सुख मिलेगा एवं संतान आपकी इज्जत में इजाफा करने वाली होगी। व्यापारी वर्ग नवीन व्यापार या व्यापार के नवीन तरीकों पर कार्य करके धनार्जन करने वाले हैं। विशेष बात यह है कि बाकी तो सब बहुत बढ़िया रहेगा, किंतु मानसिक अशांति के कारण आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उठापटक वाला, लव अफेयर में अविश्वास या एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में कलह की भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसा पद सब बढ़िया मिलने के योग बन रहे हैं, किंतु पत्नी या लवर के कारण कलेश और प्रतिष्ठा पर बट्टा लगता भी दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा संयम, धैर्य, शांति से काम लीजिएगा और इस एक संकट को आप टालने के लिए पूरा धैर्य के साथ आप चलेंगे तो ये टल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको शिव उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, विशेषकर जब ये ग्रहण काल रहेगा उस समय। धनु राशि, आपकी राशि के पांचवें घर में होने वाला चंद्र ग्रहण संतान व शिक्षा के घर में घटित होने जा रहा है। वैसे तो आपके लिए सामान्य फल देने वाला है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ लाभ के संकेत मिल रहे हैं। वहीं संतान की उन्नति व तरक्की का भी योग बन रहा है, लेकिन संतान पक्ष से आपको चिंता भी हो सकती है। विशेषतः परिवार के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी से लाभ के योग हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आप किसी अपोजिट सेक्स के चक्कर में फंसकर बदनाम हो सकते हैं या अपोजिट सेक्स आप पर झूठे लांछन लगा सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहिएगा। वाद विवाद से बचें, किसी तीसरे की बात न करें। क्रोध करना आपके लिए घातक होगा। ओम शांति व विवेक रखें, धैर्य रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी के उकसावे में न आएं। इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन पूरा विचार करके ही धन लगाएं। ग्रहण के पश्चात आपको गरीबों में सूखे चावल का दान करना चाहिए। मकर राशि, आपकी राशि से चौथे भाव में जो कि सुख भाव का घर है, चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा अप्रिय स्थिति पैदा करने वाला हो सकता है। आप एकदम सावधान रहें। थोड़ी भी गलती हुई या थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपकी बेइज्जती हो सकती है। आपके साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो सकता है, लांछन लग सकता है। बचकर रहें, संयमित रहें, सतर्क रहें। एक तो पहले से ही
शनि की साढ़े साथी चल रही है, अतः आपको दोहरा चौकन्ना होकर रहने की आवश्यकता है। परिवार की महिलाओं का विशेष आप ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, चाहे वो बेटी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, जो भी परिवार में महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। अनावश्यक धन की हानि के योग बन रहे हैं, विशेषकर आप जहां काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो वहां पूरी शालीनता से, पूरे धैर्य से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मैच्योरिटी के साथ आप काम करें, वरना आपके कैरियर पर संकट आने के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी गंभीरता के साथ याद रखकर आपको व्यवहार में लाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। इससे आपको टेंशन नहीं करना है बल्कि सावधान रहना है। बस एक माह का तो समय है, इसमें थोड़ी सावधानी रखिए, बाकी सब ठीक होगा। ग्रहण के पश्चात मकर राशि के जातकों को गरीबों में दूध का दान करना चाहिए। कुंभ राशि, आपकी राशि से ये तीसरे घर में होने जा रहा है जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आपको शांत भाव से बिना घबराए अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहना चाहिए, जिसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके, अटके या आधे अधूरे पड़े काम पूर्ण होंगे। आपकी जो विष है, जो विष आपने कर रखी है, वो विष आपकी पूरी होगी। संतान सुख भी आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में परस्पर विश्वास और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आपके कैरियर व धन संपत्ति में लाभ का योग बन रहा है। इस माह के समय का पूरा लाभ उठाइए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ व उन्नति के संकेत हैं। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए यह ग्रहण शुभ फल देने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि ग्रहण के पश्चात वो गरीबों में चीनी का दान जरूर करें, लाभ होगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के दूसरे भाव में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये भाव संपत्ति व धन का भाव है। आपको कोई नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पद प्राप्त हो सकता है। यदि आप रोजी रोटी की तलाश में हैं तो आपको सफलता मिलेगी, एवं जो व्यक्ति अपनी आय बढ़ाना चाहेंगे उनको आय के नवीन साधन प्राप्त होंगे। लेकिन इस समय किसी व्यक्ति को दिया गया धन फंस सकता है, उसके वापस मिलने में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट भी आप सोच समझ कर कीजिएगा। अनायासी धन खर्च करने की प्रवृत्ति आप में बढ़ सकती है, अतः फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म रह सकता है, विशेषकर पाचन संबंधी, पेट में गैस संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। व्यापारी वर्ग को भी थोड़ा कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको ग्रहण के पश्चात गरीबों में दूध का दान करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपको वर्ष के अंतिम चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। 12 राशियों पर होने वाले प्रभावों को भी मैंने आपको बताया है, उससे बचने के उपाय भी मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखिए। आपको